हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्या स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, देखिए क्या होता है। आप कभी ना कभी तो पेपर देंगे ही, ठीक है, या यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, या तो कोई अनदर एग्ज़ाम हो, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, समझ गया ना। तो कभी कभी ना आप पेपर तो देना ही देना है, और क्या करना है आपको, 90% क्या करते हैं लोग, मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कितने मिस्टेक, ज़्यादा नहीं आपको, ज़्यादा ज़्यादा 4 से 5 मिस्टेक बताएंगे, और पांचवी मिस्टेक ऐसी होगी जिन्हें आप देखिए कॉमन मिस्टेक होगी और जो आपको नहीं करना है, ठीक है। और इतना ज़्यादा लोग करते हैं कि वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको समझ लेना है कि क्या है मिस्टेकें, ठीक। अब देखिए सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या है कि आप जैसे आपको पेपर मिलता है तो क्या करते हैं, आप पेपर को नहीं पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं सीधा क्वेश्चन को लिखना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिले तो उसको पहले आप क्या करिए, रीड करिए, यानी कि आपको पहले उसको पढ़ना है। देखिए टॉपर और कमज़ोर बच्चों में क्या रहता है कि देखिए हम मान के चलते हैं आप एक तरफ लिख देते हैं टॉपर, और एक तरफ लिख देते हैं जो हमारा एवरेज बच्चा, यानी कि जो कम नंबर लाता है, ठीक है। दोनों ही बच्चों को क्या आता है, दो बराबर हैं, दोनों ही बच्चे को सभी क्वेश्चन आते हैं, 90 से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको। पर क्या करता है, जो टॉपर होता है वो पूरे 90 लाता है, और जो एवरेज बच्चा है वो 40 से 50 नंबर में रह, यानी 70 नंबर में रह जाता है। वो क्यों रह जाता है, वो कॉमन मिस्टेक कर देता है, पहले पेपर नहीं पढ़ता, और जैसे ही उसको क्वेश्चन मिलता है, पेपर आगे आता है, वो क्या लटक जाता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आपकी पहली मिस्टेक हो गई जिसको आपको क्या करना है, नहीं करना। अब देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक हमारी क्वेश्चन नंबर 2 पर। इतना अच्छा आपको लिखना है, यानी कि सेकेंड मिस्टेक हमारी क्या होती है, इम्प्रेशन। जैसे आपको टीचर कॉपी चेक करे तो आपको उसको इम्प्रेस कर दीजिए कि आपको ऐसी इतनी अच्छी आपकी लिखावट है, आप अपनी लिखावट से इम्प्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप जैसे आंसर लिखते हैं, कोई भी आंसर लिखिए आप, ठीक है, कोई भी आप आंसर लिखिए, उसको इतने अच्छे तरीके से इम्प्रेस करके दिखाइए कि सर हमको एकदम अच्छे तरीके से आ ही रहा है, इससे ज़्यादा हम अच्छा नहीं दिखा सकते, इतना दिखा दीजिए, और आपसे ज़्यादा कोई अच्छा लिख ही ना पाए ऐसा दिखाना है आपको। क्या हो जाता है, आपको इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको पहले आपको कर लेना है, ताकि टीचर को लगे कि इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये टैलेंटेड भी है। ये हो गई आपकी दूसरी मिस्टेक, ठीक। इतना अच्छा आपको लिखना है, यानी कि इम्प्रेशन आपको जिससे ख़राब हो जाता है तो क्या हो जाता है, टीचर सोचेगा अरे यार बहुत गंदा बच्चा है, जल्दी जिसको नंबर देते हैं 4-5 दे देते हैं और उसको हटाते हैं। ये आपकी हो जाएगी दूसरी मिस्टेक, आपको इम्प्रेशन को अच्छा रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, क्या मिलते हैं आपको, क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्या करते हैं आपको, जैसे 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन सारे आ रहे हैं आपको, क्या है 1 से 10 आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, पर जैसे आपने लिखा आंसर नंबर 1, क्या लिख दिया आपने, आंसर नंबर क्या लिखा, 1 लिखा, और उसको करना चालू कर दिया हमने, क्या हो जाए, हमने लिखना चालू कर दिया, और उसके बाद क्या करते हैं आप, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो उसको क्वेश्चन आंसर नंबर 2 नहीं डालेंगे, क्या करेंगे, उसको भी ऐसे लिखना चालू कर देंगे। पर ऐसा आपको नहीं करना है, क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसको आप 1 से 1 पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, ताकि टीचर को लगे कि बहुत ही अच्छा बच्चा है और बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, और आपको आंसर नंबर एकदम अच्छे तरीके से विधिवत डालना है कि हमारा आंसर नंबर 1 है ये, फिर आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 3 है, इस तरह आपको सारे आंसर लिखना है, और बिना वजह आपको क्वेश्चन नहीं पेपर में उतारना है, ठीक। अब देखते हैं चौथी मिस्टेक हमारी क्या है, किसी भी क्वेश्चन को करिए आप, कोई भी क्वेश्चन करिए, क्या करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है। किस में टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपको पहले पेपर में घड़ी बांध कर जाना है और देखना है कि हमारा यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या कितना है, 1 से लेकर के 2 मिनट देना है, कितने मिनट, 1 से लेकर के 2 मिनट देना है आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्यों, यदि आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यदि आप 1 से 2 मिनट यानी 10 मिनट दे देंगे तो आपका देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर होता है, यदि 10 मिनट इसको देंगे तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो कितने मिनट आपको चला जाएगा, क्या करना आपको 1 से 2 मिनट को सोच सोच के सारे क्वेश्चन को निपटा देना है, 1-1 नंबर वाले। उसके बाद जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं उनको थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम दीजिए, क्यों दीजिए, क्योंकि उसमें आपको नंबर ज़्यादा आने वाले हैं, 4 से 5 नंबर का आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें क्या करना आपको टाइम मैनेजमेंट जाना ऐसे बना कर रखना है कि हमारे इतने नंबर में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे इतने टाइम में, और ताकि आपका पेपर भी ना छूटेगा। अब देखिए चौथे पांचवी मिस्टेक हमारी क्या कहती है, जो अधिकतर बच्चे करते ही करते हैं, जिसको आप देखने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं, क्या है हमारी पांचवी मिस्टेक, रोल नंबर, क्या है रोल नंबर। जैसे आपको कॉपी मिले सबसे पहली हमारी मिस्टेक है ये,
और इसको क्या करते हैं, बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं। जैसे आपके मान लिए रोल नंबर 7 8 9 2 3 4 7 6 है, इतना है आपका रोल नंबर, इसको कह दिया जाए आपको कॉपी में फिल करना है। तो कैसे करना है देखिए, कोई बच्चा कहता है इसको गिने लगता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000 करोड़, इस तरह आपको नहीं लिखना है कॉपी में रोल नंबर। क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 7 तो आपको लिखना है 7, फिर लिखा है हुआ 8 तो आपको लिखना है 8, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 9 तो आपको लिखना है NINE 9, 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए, और 4 लिखा है तो FOUR 4 लिख दीजिए, 6 लिखा है तो 6 लिख दीजिए, और 7 लिखा है तो आपको फिर से 7 लिख देना है। इस तरह आपको विधिवत रोल नंबर लिखना है, ना कि इकाई दहाई ना ही थाउजेंड ना ही करोड़ ना ही लाख में आपको जाना है। तो देखिए ये कॉमन मिस्टेक है सारी, तो इनको आपको अवॉइड करना है ताकि आपका पेपर भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जाए। ये सभी लोग कामना करते हैं आपके पेपर के लिए और आपका यूपी बोर्ड इतने अच्छे तरीके से जाए। जो भी आप बोर्ड एग्जाम दें, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दें, तो सबसे पहले आप ये देखिए 5 मिस्टेक को दूर करिए, ताकि आप देखिए यदि आपका रोल नंबर ही गलत हो जाएगा और यहाँ आपने 7 की जगह क्या लिख दिया 6 लिख दिया गलती से, तो क्या हो जाएगा, आप तो आपके नाम पर जो काफ़ी फेल हो जाएगी। यदि कोई फेल बच्चा होगा तो ये तो फेल हो जाएगा और आप भी इसके साथ ही फेल हो जाएंगे, ठीक। तो आपको इससे सारी मिस्टेक नहीं करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो कुछ भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हैं, देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि यदि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए सब्सक्राइब बटन दबाकर, क्योंकि देखिए जैसे सब्सक्राइब बढ़ेगा और लाइक बढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमको इस तरह की वीडियो और देना है आपको और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।